तो अब इस वाले पार्ट में बात करने जा रहे हैं, जो हमने इसका पांचवा पॉइंट देखा था कि कंट्रोल ऑफ ऑल दीज फंक्शंस बाय लोकल नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स। तो अब हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दी हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है GIT की, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल ऑफ GIT। तो GIT का जो है वो अपना एक जो है वो क्या कहना चाहिए कि नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। GIT को जो है वो दूसरे किसी नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, पर काम ज़रूर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है वो उसको CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है इससे। है ज़रूर, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट ना भी हो CNS का तो भी जो है वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम GIT के सारे काम खुद करवा लेता है। तो GIT हैज़ इट्स ओन नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रॉपर जिस तरह हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम अलग से जो काम कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और क्या कहना चाहिए कि ब्रेन स्टेम, इस तरीके से इसका अपना होता है और ये अपने फंक्शंस जो है प्रॉपरली खुद सरंजाम दे लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बड़ा मसला हो जाए जो इसकी हदूद से बाहर हो, तो उसको इनहिबिट करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए थोड़ा बहुत हाथ जो है वो हमारा जो है वो CNS भी जो है इसमें डालता है, तो जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सप्लाई बाय CNS। ठीक है, तो पहले हम इसकी एंटेरिक सप्लाई पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टार्ट करते हैं। चलो छोड़ें, एंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑफ GIT, इट हैज़ इट्स ओन नर्वस सिस्टम। इसको हम जब आप GIT के BCQs आते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी मतलब ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें ये वाले ऑप्शंस भी हैं और ये वाले ऑप्शंस भी हैं, तो आपको पहली जो आपकी चॉइस होनी चाहिए ना, एंटेरिक जो GIT के जो कंट्रोल के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए एंटेरिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि सारा काम ही खुद कर लेता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी जो है वो एक्सट्रिंसिक सप्लाई जो है वो काम आती है, बाकी सारे काम नॉर्मली जितने भी होते हैं वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम खुद ही देख लेता है। तो हम बात करते हैं इसकी। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्सटेंड्स फ्रॉम इसोफेगस टू NS। ठीक है, मुँह से शुरू होता है, NS पे ख़त्म होता है। इसके अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जितने के हमारे पूरे CNS में होते हैं, इसी इतने ही जो है वो इसके अंदर भी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ GIT के जो अपना जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अभी दो पार्ट्स में डिवाइड है, इस एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं माइंटेरिक और दूसरा है मेसनर्स। अब इसके दो नाम है वो याद कर लें, मसला ये है कि कभी कभी ये ऑर्बिक आर्च के नाम से आ जाता है, कभी कभी ये आउटर प्लेक्सिस के नाम से आ जाता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो BCQs में जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। BCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो ये बहुत ईजी है। तो हम माइंटेरिक का दूसरा नाम है आउटर प्लेक्सिस लाइंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर म्यूकोजा, अब मसल्स ऑफ म्यूकोजा। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या सीन है। हमने एक डायग्राम बनाई थी ये वाली GIT की, जो मसल जो अगर हम उसको डाइसेक्शन करेंगे, तो उसका जो मसल है, जो उसका सेल है, जब उसको डाइसेक्शन करेंगे उसकी लेयर को, तो उसके अंदर जो है इस तरीके से चार लेयर्स निकलेंगी। ठीक है, GIT की, तो पहली जो है वो सिरोजा है, दूसरी जो है एक मस्कुलरिस लेयर होती है, जिसके अंदर ऊपर वाला जो है वो जो क्या कहना चाहिए कि का सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल टिश्यूज़ होते हैं, और जो नीचे वाले जो होते हैं वो सर्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। उसके नीचे लेयर होती है सबम्यूकोजल, और उसके नीचे होती है म्यूकोजल। ठीक है, तो सिरोजा के नीचे जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर है, इसके बीच में जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे मेसनर्स। ठीक है, तो ये आउटर लेयर हो गई ना, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी लेयर, यहाँ हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये इसके बाद डायरेक्ट लेयर ख़त्म है। ठीक है, तो ये आउटर लेयर हो गई। अब दूसरी लेयर जो है मेसनर्स, वो है सर्कुलर लेयर और सब म्यूकोजल लेयर के दरमियान। ठीक है, तो वो हो गई इनर लेयर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बाहर वाली लेयर है माइंटेरिक, वो क्या करती है, पूरे जो है वो इस मसल GIT के मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन जो मेसनर्स है ना, वो सिर्फ सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है। तो देखें, कॉन्ट्रैक्शन बाहर से अंदर की तरफ होती है ना, अंदर से और अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं मजीद। ठीक है, तो जो सब म्यूकोजल है वो सिर्फ अपनी लेयर की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, बाकी सारे GIT कॉन्ट्रैक्शन जो है वो माइंटेरिक करवाता है। ये मैं आपको पॉइंट थोड़ा समझाना चाह रही हूँ, अगर आप इसको अगर रीडिंग ना भी करें, बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई है, आप सिर्फ उसको समझ लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। माइंटेरिक के पहले नाम याद कर लीजिएगा, ये आउटर प्लेक्सिस होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बाहर होता है, इसकी लोकेशन आ जाती है समटाइम्स कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको ऑर्बिक प्लेक्सिस या आर्च भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, मोटिलिटी मूवमेंट, इसका काम है मूवमेंट कराना GIT की कॉन्ट्रैक्शन ही करवाता है। अब इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, यानी इसके बाद दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिटरी भी और एक्साइटरी भी। तो ये क्या कर सकता है कि मूवमेंट रोक भी सकता है और मूवमेंट बढ़ा भी सकता है, जबकि मेसनर्स का काम क्या होता है, ये इसको सबम्यूकोजल प्लेक्सिस भी कहते हैं क्योंकि सबम्यूकोजल में प्रेजेंट होता है, ये इनर लेयर होती है। ठीक है, अब इसकी आपको पता चल गई लोकेशन,
ये क्या करता है, लोकल सिक्रेशन करवाता है, यानी अंदर की तरफ होता है, तो जितनी सिक्रेशन वगैरह होगी वो सारा इसका काम है, जितना भी जीआईटी की सिक्रेशन होगी। ये ब्लड फ्लो में हेल्प करता है, ये एब्जॉर्प्शन कराता है, भाई इनर लेयर है तो एब्जॉर्प्शन फिर इसने ही करवाना है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पर बताई थी कि ये सब म्यूकोसल लेयर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यानी पूरे जीआईटी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मेंटेरिक, सिर्फ सब म्यूकोसल को छोड़ के, तो सब म्यूकोसल की करवाता है मीजनर्स। अब मैंने बात की कि इसके अलावा भी मतलब एंटेरिक नर्वस सिस्टम काफ़ी है ना, एंटेरिक नर्वस सिस्टम आपका काफ़ी है, ये रहा एंटेरिक नर्वस सिस्टम आपका काफ़ी है सारे काम करवाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से कोई जो है स्टिमुलस आए, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसला डेवलप हो जाए, तो उसके लिए कोई इससे बड़ा भी तो होना चाहिए ना। मतलब अगर बच्चे आपस में समझदार हैं, घर में खेल रहे कूद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेरेंट्स घर में नहीं रहेंगे, ठीक है। जब कोई बड़ा मसला हो जाता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं ना, इसका वही सिस्टम है। अब यहाँ पे जितना ब्लू और ब्लैक दिख रहे हैं, ये है जो इसका एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और जो ये रेड और ये जो ग्रीन लाइंस जा रही हैं, ये है हमारा CNS का जो नर्वस सिस्टम, जो हमारा खुद का जो नर्वस सिस्टम है बॉडी का, वो जो है वो बाहर से कनेक्ट कर रहा होता है, इसको संभाल रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो अंदर से इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने सारी एक्टिविटीज़ जितनी इसको मूवमेंट करानी है, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, इनहिबिट करना है या उसको एक्साइट करना है, वो कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर डेवलप हो जाए, इसके सब म्यूकोसल प्लेक्सस में या मेंटेरिक में, दोनों में इनर्वेट कर रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसको जो है ये सेंसरी जो हो हमारे क्या कहना चाहिए कि सेंसरी नर्व फाइबर्स जो हैं, ये जाके उसको बोलते हैं कि भाई ये अंदर इसके कोई प्रॉब्लम हो गई है, पेन हो गई है, या कोई ज़ख्म बन गया है, या कोई केमिकल इन्होंने ऐसा खा लिया है, या वो डिस्टेंट होकर रह गई है जो है गट जो है वो, तो कोई काम ऐसा करो, ये जो मूवमेंट हो रही है इसको बोलो कि रुक जाएं। तो ये जाके सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक का क्या काम होता है, मैं आपको इसको डिटेल से समझाती हूँ। इसके ऊपर जब सारा एंटेरिक जो है वो अंदर का जितना भी काम है ना, घरेलू जो लोकल सारा काम है कि भाई खाना आया गया ये वो, ये सब कुछ जो है वो एंटेरिक देख लेता है। एक्सट्रिंसिक क्या करता है, ये इसको रूल करता है ना, इसके ऊपर काम करता है, ये ऊपर से आ रहा होता है। ये हमने जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लू और ग्रीन वाला है सारा का सारा एंटेरिक है, अंदर की तरफ काम करता है, ये विद इन द गट होता है, गट के बाहर नहीं होता, गट के बाहर इसकी वॉल से गट की जो एपिथीलियम से शुरू होके और बाहर ब्रेन तक जितने भी सिग्नल जा रहे होते हैं, ये जा रहे होते हैं आपके न्यूरल कंट्रोल्स है, जो हमारा जो समझ लें नर्वस सिस्टम होता है उसके ज़रिए। तो ये मतलब बाहर से इसको जो है वो देखभाल कर रहा होता है ब्लैक और ग्रीन के ज़रिए कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अब दूसरी चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि जो एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है, ये थोड़े सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्व्स के थ्रू जो है वो हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे जो गट के ऊपर है, वो जो है वो काम करता है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा ऑपोजिट सिस्टम है, हमने CVS में पढ़ा था कि जो सिंपथेटिक होता है वो स्टिमुलेट करवाता है और पैरासिंपथेटिक जो है वो इनहिबिट करवाता है, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी काम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स जो है वो इनहिबिट करवाती हैं और पैरासिंपथेटिक फाइबर्स जो है वो स्टिमुलेट करवाती हैं। वो क्या है स्टिमुलेट करवा सकती हैं इजी वे में, पहली बात तो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है प्री गैंग्लियोनिक, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लें। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ये जो पैरासिंपथेटिक हैं ये प्री गैंग्लियोनिक होती हैं और जो सिंपथेटिक हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक यानी ये बगैर किसी गैंग्लियन से डायरेक्ट निकले, डायरेक्ट जो है वो जाके इनर्वेट हो जाती हैं। ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर का मैं कुछ दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से निकली सर्वाइकल और सैक्रल से, पैरासिम्पथेटिक का बता रही हूँ, सर्वाइकल से और सैक्रल से निकलती हैं पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स और यहाँ पे कोई बीच में गैंग्लियन नहीं है, ये डायरेक्ट निकली और आके इनर्वेट हो गई, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको गैंग्लियन, ये पोस्ट ये सिंपथेटिक है और ये निकली हैं गैंग्लियन से निकल के और फिर इसके अंदर जा रही हैं, डायरेक्ट नहीं जा रही, यहाँ से निकली हैं फिर इसके अंदर गई हैं फिर यहाँ से निकल के फिर बाहर गई हैं, तो इसको कहते हैं हम पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक बगैर किसी गैंग्लियन के, पोस्ट गैंग्लियोनिक यानी गैंग्लियन से गुजर के गई, इतनी सी बात है, कोई खास गहरी बात नहीं है, बट वो अगर समझ में आ जाए तो आगे आपको न्यूरोएनाटॉमी में आसानी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, इनका काम क्या होता है कि भाई जब सारा सिस्टम अंदर से सही चल रहा है, अब अगर बीच में कोई मसला हो गया है तो ये जाके ब्रेन जो है ना, जो हमारी एफरेंट जो है वो नर्व फाइबर्स हैं, सेंसरी एफरेंट नर्व फाइबर्स, ये जाके उसको बोलेंगी, या तो ये ब्रेन के पास जाएंगी, प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया के पास जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास जाके बोलेंगी, जिसके पास इसको जाना होगा, जो भी हिस्सा जो है उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा
उसके बाद जाके बोलेंगे भाई अंदर ज़्यादा जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे एक्सटेंसिव जो है वो एक्सेसिव डिस्टेंशन हो गई है गट की, जो है वो आप रोक दो, रोकना है या जो इनहिबिट करना है उसको या जो भी करना है, या बोलेंगे क्योंकि स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर आ गया है जो मूवमेंट को जो इनहिबिट कर दो, ठीक है। मोस्टली इनहिबिशन ही होगी इसके अंदर, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन होनी ही होगी, अगर स्टिमुलस देना ही होगा, उसकी मूवमेंट करवानी ही होगी, तो ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम अपने आप में सारा काम कर लेगा। तो अगर कोई बड़ा मसला अंदर बन गया है, इरिटेशन हो रही है अंदर किसी लेयर के अंदर, तो क्या करेगा ये नर्वस सिस्टम जाके जो है उसको बोलेगा कि भाई बाबा जी लड़ाई हो गई है अंदर, बाबा चलें और दोनों भाइयों को रोक लें, ठीक है। इस तरीके से कोई अब मतलब समझ सकते हैं ना, ठीक है। अभी ये इसको मतलब यहाँ से पैगाम चला तो गया, अब ये इसको एग्जीक्यूट किसके थ्रू करता है, एफरेंट के थ्रू करता है, एफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू। एफरेंट नर्व फाइबर्स जो है वो उसके अंदर भी मज़ीद दो में डिवाइड हो जाती है, एक तो इनहिबिट करवाती है, एक करवाती है स्टिमुलेट। इनहिबिट करवाती है उसको हम सिंपथेटिक बोलते हैं, जो स्टिमुलेट करवाती है उसको बोलते हैं पैरासिंपथेटिक। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनहिबिटरी सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो थोरेको लंबर नर्व्स होती हैं। थोरेको लंबर यानी ये समझ लें, ये मैंने ब्रेन बनाया है, मैंने ड्राइंग में थोड़ी सी बुरी आप थोड़ा सा अगर बर्दाश्त कर लें तो ये मैंने बनाया है ब्रेन, और ये है मैंने बनाई पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ये क्रेनियल वाला एरिया, ये सैक्रल है और ये है थोरेको लंबर एरिया। तो T1 से लेके L2 तक जितनी भी नर्व्स होती हैं ये होती हैं सिंपथेटिक, ठीक है, सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स होती हैं। लेकिन ये यहाँ जो जितनी भी इधर से निकल रही हैं वो खाली सिर्फ इसको तो नहीं कर रही होंगी ना, मतलब आपके जो है वो GIT को सप्लाई नहीं कर रही होंगी, वो हार्ट को भी करती हैं, वो लंग्स को भी करती हैं सप्लाई। तो इसके अंदर T4 T5 से लेके L2 तक जितनी भी नर्व्स निकल रही होती हैं T5 से लेके इसके दरमियान में से T5 से लेके L2 तक जितनी भी नर्व्स निकल रही होती हैं वो सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स होती हैं, और वो क्या करती हैं इनहिबिशन करवाती हैं, ठीक है। क्या इनहिबिट करवाती हैं, मोर्टेलिटी, मूवमेंट रुकवा देती हैं। मूवमेंट रुकवाने के लिए वो क्या करती है, नोरएपिनेफ्रिन, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी कोई स्ट्रेस वाली स्टेज होगी या स्ट्रेस वाला कोई मसला होगा तो नोरएपिनेफ्रिन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस में निकलता है और जाके मूवमेंट रुकवा देगा, ऐसे रुकवा देगा कि एक निवाला भी जो है वो हलक से उतरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी मैंने आपको लोकेशन बता दी कि कौन सी नर्व फाइबर्स हैं जो आएंगी और जो है वो इनहिबिट करवाएंगी, वो कहाँ से जो है वो निकलेंगी, वो निकलेंगी T5 से लेके और L2 के लेवल से जितनी भी नर्व फाइबर्स जो है वो निकलेंगी। अब ये क्या होता है इनके अंदर मैं सिस्टम बताती हूँ आपको, ये होती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी ये पहले ये निकलेंगी यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से, गैंग्लियन में जाएंगी, बाहर आएंगी, फिर जो ये अपना काम करेंगी, इसे मैं आपको पीछे पिक्चर में दिखाया, दोबारा भी दिखा दूंगी। और जो हमारे पास ये आएगी पैरासिंपथेटिक, ये डायरेक्ट निकलेगी और ऑर्गन के पास चली जाएगी कि भाई ये काम करना है, ठीक है, ये टाइम वेस्ट नहीं करती। तो सिंपथेटिक का क्या पढ़ना था हमने, ये इनहिबिटरी होती है, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो थोरेको लंबर नर्व्स होती हैं जो इसको सप्लाई करती हैं, कौन सी, T5 से लेके L2 तक जितनी भी नर्व्स होती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक होती हैं, और वो जाके क्या करती हैं इनहिबिट करवाती हैं कोई भी एक्शन हो रहा होता है GIT का। अब बात करते हैं पैरासिंपथेटिक की, पैरासिंपथेटिक क्या करता है, मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है, मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करता है, भाई ज़्यादा खाना पड़ा हुआ है वो मज़ीद भेज रहा है, इसको जल्दी से जो है वो और डाइजेस्ट करो, मूवमेंट करो इसकी और इसको निकालो। अब इसको कौन सी नर्व फाइबर सप्लाई करती हैं, क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व। ऊपर से मैंने आपको बताया था ये बीच वाला जितना भी एरिया ना थोरेको लंबर ये करवाता है सिंपथेटिक, और क्रेनियल और जो सैक्रल है ये मैंने पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनाने की कोशिश की है, अगर समझ में आ रहा हो कि क्रेनियल नर्व और जो सैक्रल नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे पैरासिंपथेटिक को सप्लाई करती हैं, पैरासिंपथेटिक नर्व्स को सप्लाई करती हैं। तो क्रेनियल नर्व में से भी C10 S2 और S3 और S4 बेसिक, ये चारों जो है वो प्री गैंग्लियोनिक बगैर किसी गैंग्लियन के डायरेक्ट आती हैं और आके जो है वो इनको जो काम करवाना होता है, मोटिलिटी इंक्रीज़ करवानी है या सिक्रेशन या जो भी इनको काम करवाना होता है ये करवा के और चली जाती हैं ईजिली। और ये सारे जो मोस्टली जो इसका काम करवाना होता है ना, मतलब जैसे गट तो बहुत बड़ा है, इसोफेगस से लेके जो है वो टर्मिनल इलियम तक बहुत बड़ा गट है, लेकिन माउथ से लेके जो आपका जो क्या कहना चाहिए कोलोन्स हैं, जो आपके जो हाफ तक जो इंटेस्टाइन है वहाँ तक, मतलब मोस्ट ऑफ द आपका गट का पार्ट जो है वो वेगस नर्व करवाती हैं, यानी क्रेनियल नर्व जो है वो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ GIT जो है वो उसको सप्लाई करती हैं, और जो बाकी बचा कुछ थोड़ा सा पार्ट होता है उसको जो है वो आपके सैक्रल नर्व सप्लाई करती हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, एग्जाम में नहीं आती, बट आपको पता होना चाहिए कि हाफ से ज़्यादा पार्ट 75% जो आपका GIT है उसकी पैरासिंपथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो क्रेनियल नर्व देती हैं, बकाया 25% जो है वो सैक्रल नर्व देती हैं, बस ये इसकी मूवमेंट थी। अब कोई पैगाम लेके गया था तो ये काम हुआ है, लेके कौन गया था ये हमने पढ़ लिया था कि एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर्स जो थी
वो पैगाम लेके गई थी गट से, और जाके उसने सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक को बोला कि भाई ये जो है वो ज़्यादा डिस्टेंट हो रहा है, ये ज़्यादा सुकड़ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके अंदर केमिकल जो है वो ज़्यादा आ गया है, इसकी जो मूवमेंट है उसको रोको, एंड दैट्स इट। और ये हमारी थी ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट।